सा और सुंदर सा ये बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। आज हमें बेबी स्वेटर का पार्ट टू बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके बैक पार्ट में फंदे डालना, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, बैक पार्ट में मुंडे की घटाई कैसे करें, बैक गला कैसे बनाएं, आज हम बनाएंगे आज की वीडियो में इस स्वेटर का पार्ट टू। पार्ट टू में देखिए हम यहाँ पे इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट बनाएंगे। कितने फंदे ले बैक के हिसाब से, फ्रंट में कितने फंदे डालें, कैसे डिजाइन को एडजस्ट करें, बटन पट्टी कैसे बनाएं, बटन होल कैसे बनाएं, और देखिए ये आर्म होल की घटाई कैसे करें, शोल्डर में कितने फंदे रखें, इसमें इस सेकंड पार्ट में हम आपको ये बनाना बताएंगे। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हमारा ये पार्ट टू, तो अब हम ये पार्ट टू बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये बेबी स्वेटर बना है और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस स्वेटर का पार्ट टू। पार्ट टू में बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस स्वेटर में फंदे डालना, बॉर्डर बनाना, डिजाइन बनाना, मुड्डे की घटाई और बैक पार्ट की गले की घटाई ये आपको बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर के फ्रंट के दोनों पार्ट में कितने फंदे लें, कैसे डिजाइन को एडजस्ट करें और बटन होल कैसे बनाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे 66 फंदे डाले थे। 66 फंदे डाल के फिर मैंने ये डिजाइन एडजस्ट किया था, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदों में डिजाइन, तीन फंदे उल्टे, पांच में डिजाइन, ऐसे बनाते हुए मैंने इस डिजाइन को एडजस्ट किया। अब जब हम फ्रंट के फंदे डालेंगे तो जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में हैं उसके हम हाफ करेंगे, तो 66 का हाफ बनेगा 33, यानी 33 फंदे एक पार्ट में, 33 फंदे एक पार्ट में। और फिर हम आठ फंदों की बनाएंगे जैसे बटन पट्टी, तो चार फंदे एक पार्ट में ऐड करेंगे और चार एक में, 33 प्लस में चार करेंगे तो 37 फंदे हमारे एक पार्ट में बन जाएंगे और 37 फंदे एक पार्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट का ये बॉर्डर बना के रखा है, 37 फंदे इस पार्ट में है और 37 इसमें है। बैक पार्ट का हाफ करके चार फंदे इसमें ज़्यादा किए हैं बटन पट्टी के लिए, चार फंदे इसमें ज़्यादा किए, तो 37 फंदे हमारे इस दोनों पार्ट में है। जब हम अब ये बॉर्डर बना लिया है, एक मैंने ये बटन होल बनाया है, अब जब हम डिजाइन डालेंगे तो देखिए एक पार्ट में हमारी यहाँ से बटन पट्टी बनेगी, फिर डिजाइन बनता जाएगा, और एक पार्ट में हमारा ये डिजाइन बनता आएगा और लास्ट में बटन पट्टी बनेगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ से इस डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी। तो देखिए किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हम आठ फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। अगर आप सात फंदों की बनाएंगे तो सात फंदों की भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और डिजाइन भी आगे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने ये यहाँ पे 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बुने हैं, सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई और बैक साइड से भी उल्टी सिलाई बुन के 14 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। 15वीं सिलाई में मैंने बॉर्डर डिजाइन को डालना शुरू किया है। तो ये सात फंदे मैंने बटन पट्टी के बनाए हैं, अगर आठ के बनाएंगे तो लास्ट में हमारे पास डिजाइन ही बनेगा, कोई एच टीच फंदा नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पर सात फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे फिर डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो दो में सिलाई डालेंगे, दो का एक बनाएंगे, धागा पीछे से ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको करेंगे वापस सिलाई में डाल लेंगे,
और पीछे की तरफ से दो का एक बनाएंगे। तो ये पांच फंदों में ये केवल डिजाइन डल जाएगा। इस डिजाइन को मैंने फर्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो ये तीन फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से देखिए दो में सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बनाएंगे आगे की तरफ से, फिर ऐसे घुमाएंगे एक फंदा सीधा, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे, इन दो फंदों को स्लिप करेंगे, वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे इस तरह से, और दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से डिजाइन डालेंगे, दो में सिलाई डालेंगे, दो का एक आगे की तरफ से सीधा फंदा बनाएंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, जो दो का एक होके फंदा घटा है वही जाली से फिर से बढ़ गया, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से दो फंदों को स्लिप करेंगे, ऐसे सिलाई में डाल लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदों में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे और बैक साइड से दो का एक बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर आठ फंदों की बटन पट्टी बनाते तो ये डिजाइन ही लास्ट में आता। अब हमारे पास सात फंदों की बनाने के बाद ये एक फंदा एच स्टिच के लिए उल्टा बन जाएगा इस तरह से। अगर आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा फंदे हों, जैसे ये तीन तीन करते आए हैं, तो यहाँ पर भी आप तीन फंदे भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे ऐसे ही डिजाइन डालते जाइएगा। अब आ जाइए बैक साइड में, यहाँ से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बटन पट्टी वाले फंदे भी उल्टे ही बनाएंगे और डिजाइन वाले पार्ट के फंदे भी उल्टे बनाएंगे। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब है डिजाइन की तीसरी सिलाई। तो देखिए ये सात फंदे हैं जो बटन पट्टी के, इनको हम उल्टा बनाएंगे, चार पाँच छ और सात, धागा पीछे करेंगे। अब ये पांच फंदे डिजाइन के हैं, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, दो तीन, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे। बहुत ही इजी डिजाइन है। इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, गर्ल स्वेटर, बेबी फ्रॉक, गर्ल स्टॉप, कैप, कुर्ती, सॉक्स किसी में भी डालिए, उसी में ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आता और जल्दी जल्दी बन के आता। चार सिलाइयों का डिजाइन है, डिजाइन सिर्फ एक ही सिलाई में डलता है और सिलाइयाँ हमारी उल्टी सीधी ऐसे ही बनती हैं। तो ये पांच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे। अब देखिए ये एक फंदा है एच स्टिच, इसको उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब आएंगे बैक साइड से। अब फिर यहां से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये चार सिलाइयों का डिजाइन था। इस तरह से डिजाइन मैंने एडजस्ट कर दिया है। एक पार्ट में हम पहले बटन पट्टी बनाते गए, फिर हमने डिजाइन डाला। अब हम सेकंड ये पार्ट बनाएंगे, फ्रंट का सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो हम स्टार्टिंग से डिजाइन डालना शुरू करेंगे, लास्ट में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए एक बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब जब दूसरा बटन होल बनाएंगे तो इसका बिल्कुल गैप करेंगे, पहले एक पार्ट को इसको बना लेंगे जिसमें हम बटन लगाएंगे, फिर बटन के हिसाब से हम बराबर बराबर ये बटन होल बनाते जाएंगे। वैसे मैं ये बटन होल आपको बनाना बता दूंगी। तो अब देखिए इस पार्ट में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आया था, फिर पाँच फंदों की केबल थी, तो इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पर केबल वाला डिजाइन डालेंगे,
तो दो फंदे लेंगे, दो का एक धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से इसको नीडल में डाल लेंगे और बैक लूप से दो का एक बनाएंगे ऐसे। तो ये पांच फंदों का डिजाइन डल गया। फिर से तीन फंदे गैप के उल्टे, फिर से पांच का डिजाइन डाल लेंगे, फिर से पांच फंदों वाला दो में सिलाई डाल के दो का एक बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे इस फंदे को और इसको ऐसे स्लिप करेंगे, ऐसे दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर से पांच फंदों का केबल वाला डिजाइन डाल लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है, इतना आसान डिजाइन है। धागा घुमाएंगे, फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर से सिलाई डाल के दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे गैप के उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से दो में सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और इन दो फंदों में इस तरह से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, तीन और चार सात, सात फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको उल्टा बनाएंगे। तो डिजाइन हमारा परफेक्ट से सेट हो गया है इस तरह से। अब सेम देखिए, ऐसे ही करेंगे, यहां से पूरी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दो सिलाइयां डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई में, राइट साइड में एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ये जो पांच फंदे केबल के हैं इनको सीधा बनाएंगे, जाली वाले, जाली वाले पैटर्न के पांच फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट के ये सात फंदे उल्टे बटन पट्टी वाले, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। तो तीन सिलाइयाँ डिजाइन की बन के कम्प्लीट हुई। अब आज ये चौथी सिलाई में, चौथी सिलाई को पूरी को उल्टा बनाएंगे। तो इस डिजाइन को मैंने इस तरह से सेट किया है। तो देखिए, ये बटन पट्टी यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई। सेम ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने इस पार्ट में बनाया है। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे इस तरह से, जितना हमने ये पार्ट बनाया है यहाँ तक डिजाइन डाले हैं। ये मैंने 16 डिजाइन डाले हुए हैं, इनको काउंट करेंगे। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 डिजाइन ये डाले हैं और इसकी लेंथ की को मेजर करें तो ये मैंने 10 इंच बनाई है, बॉर्डर से लेके नीचे से फंदे डाले हैं जहाँ से, और यहाँ आर्म होल की कटिंग तक। तो इसको भी हम 10 इंच बना लेते हैं, फिर इसकी कटिंग बताएंगे कैसे करेंगे। तो दोनों पार्ट ये हम बनाएंगे। तो देखिए, जब हम बटन होल बनाएंगे तो मैं ये आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, आप जितने भी गैप पे बनाना चाहें उतने पे बना सकते हैं। तो देखिए,
ऐसे बनाएंगे। सात फंदे हैं तो इसमें से हम चार फंदे बुन लेंगे। अब इस तरह से धागे को घुमाएंगे और ये दो का एक बना देंगे ऐसे। तो ये जाली आ गई, दो का एक किया, फिर से फंदा बट गया और ये फंदा उल्टा। तो देखिए फिर हम इस पूरे डिजाइन को बनाते जाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा बटन होल बन जाएगा। तो इसके दोनों पार्ट को मैं ये आर्म होल की कटिंग तक इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप पहले इस पार्ट को बनाइएगा जिस पे हम बटन लगाएंगे। तो हमने बिल्कुल बराबर बराबर बटन का अंदाज़ा इतना आ जाएगा कि जितनी लेंथ है उसके बराबर बराबर हमारे हम बटन होल बना लेंगे। तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसमें हमने बटन होल बनाए हैं। तो इन दोनों पार्ट को मैं बना लेती हूँ, इसके बटन होल कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसकी कटिंग। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग कैसे करेंगे, तो इसको बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के मैंने दोनों पार्ट ये बना के कंप्लीट किए हैं। तो देखिए ये एक पार्ट को मैंने बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लिया है। इसकी मैंने गले की भी घटाई की है और इसकी मैंने आर्म होल की भी घटाई की है। आर्म होल की घटाई बिल्कुल सेम जैसे बैक पार्ट की थी ऐसे ही की है। पहले चार फंदे घटाए, फिर दो, फिर एक, फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच बुन लिया। 3 इंच बुनने के बाद ऐसे राउंड में बुनने के बाद फिर देखिए मैं आपको इसको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ से जैसे इस तरह से मेजर किया ऐसे 3 इंच बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ से गले की घटाई शुरू की। गले की घटाई पहले यहाँ से घटाई कंप्लीट करने के बाद जब ये 3 इंच बन के तैयार हुआ तो यहाँ से गले की घटाई बनानी शुरू की। इस गले की घटाई इस पार्ट की यहाँ बैक साइड से घटाई हुई है। सात फंदे ये बटन पट्टी के हैं, चार आगे से, टोटल 11 फंदे एक बार में ही मैंने कम किए हैं। 11 फंदे करने के बाद फिर ऐसे ही हम इसकी घटाई करते गए, दो, एक, एक, एक करते हुए टोटल यहाँ पर 12 फंदे हमारे बैक पार्ट में थे मुड्ढे के और 12 इस पार्ट में है। तो देखिए अब मैं आपको इस पार्ट में बनाना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बटन होल बनाए हैं, एक बटन होल यहाँ पर है, दो, तीन, चार, अब हमारा पांचवा बटन होल है और हमारा ये एक डिजाइन बनना बाकी है। इससे पहले हम बनाएंगे जैसे गले की ये घटाई शुरू होगी इससे 2-3 सिलाई से पहले ही हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो मैंने ये काउंट करते हुए गए तो हर 8वीं धारी के ऊपर हमारा बटन होल बना है। तो अब यहाँ पे था, अब यहाँ बटन होल बनाएंगे। पहले मैंने इस पार्ट को कंप्लीट करके इनको काउंट करते हुए हमारे बटन होल बिल्कुल बराबर बन के आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, 7 फंदे थे तो हमने 4 फंदे बुन लिए। अब धागा ऐसे घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो जो 2 फंदे का एक फंदा हुआ है जाली डल के फिर से कवर हो गया और जो जाली से छेद बनेगा वो हमारा बटन होल बन जाएगा। धागा पीछे, अब यहाँ पे फिर से डिजाइन डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर से इसको बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से इस फंदे को लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, वापस निडल में डाल के बैक लूप से ऐसे ही बनाएंगे। सेम इस डिजाइन को, 4 सिलाइयों के डिजाइन को आप कंप्लीट कीजिए। तो सीधी तरफ से सिलाई को बुना, उल्टी तरफ आ गए। अब देखिए ये हमारा बटन होल वाला जाली वाला डिजाइन है। तो ये बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे, जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए सेम जैसे हम बुनते आए हैं वैसे ही बटन पट्टी को बुनेंगे। तो अब आइए सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया है। अब फिर से अपने डिजाइन को ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, 7 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। जब आप ऐसे बटन वाले पार्ट को पहले बनाएंगे और इस
बटन होल वाले को बाद में बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बन के आएंगे। इसकी लाइनों को काउंट करते हुए फिर आप ये बटन होल छोड़ सकते हैं। अब इसको बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हमारे इस पार्ट के भी, बटन होल वाले पार्ट के भी हमारी लेंथ बन के कंप्लीट हो गई है। टोटल काउंट करें तो ये 16 डिजाइन हमारे बन के जाली वाले कंप्लीट हुए हैं। 16 डिजाइन बनाने के बाद हमने यहाँ से इसकी आर्म होल की घटाई शुरू की थी। इसकी घटाई हमारे इस पार्ट की सीधी तरफ से हुई थी और इस पार्ट की हमारी यहाँ से बैक साइड से होगी। तो अब हम यहाँ से आर्म होल की घटाई करेंगे। अगर इसकी टोटल लेंथ को मेजर करें यहाँ से यहाँ तक तो वही हमारी 10 इंच बन के आई है। और डिजाइन की बात करें तो ये डिजाइन टोटल 16 डिजाइन है। अब देखिए बैक साइड में यहाँ से हम इसकी सेम ऐसे ही घटाई करेंगे जैसी मैंने बैक पार्ट में बताई हुई है। तो यहाँ से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे तो 2 का 1 बनाएंगे। 1 की घटाई फिर से इसको वापस लेंगे और 2 फिर से वापस लेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे 2 का 1 करेंगे, 3 फिर वापस लेंगे और 4। तो ये 4 फंदों की घटाई की है। अब आगे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे और अब जो आर्म होल से कटिंग करने के बाद जो ऊपर का पार्ट बनाएंगे वो हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब यहाँ से सीधी तरफ से बटन पट्टी वाले फंदे हम बनाएंगे। उल्टे 7 फंदे ये उल्टे बनाए। अब धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर अब हम डिजाइन नहीं डालेंगे, पूरे पार्ट को ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। तो धागा पीछे करेंगे, सिलाई पीछे करते हुए पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधी तरफ से मैंने सीधा सीधा बुन लिया। तो ये 4 की घटाई हो गई। अब फिर देखिए बैक साइड में आएंगे, अब फिर से 2 की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा कम हुआ, फिर से इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई, 4 2 1 की ऐसे घटाई करेंगे जैसे बैक पार्ट में की थी। तो अब इसको पूरे को उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए फिर यहाँ पे आके घटाई करेंगे। तो ये सीधी तरफ से भी पूरे सिलाई को बुन लिया। अब फिर आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब फिर हम यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे तो 2 का 1 बनाएंगे। तो 1 की घटाई हुई तो घटाई कंप्लीट हुई, 4 2 1। अब ऐसे ही बनाएंगे। अब इस पार्ट को हम यहाँ से टोटल जैसे ये बनता जाएगा राउंड में 3 इंच बनाएंगे और फिर हम इसकी घटाई करेंगे गले की। जितना ये पार्ट हमारा ये बना हुआ है इसको राउंड में ऐसे नापते हुए 3 इंच के करीब जब हमारा ये पार्ट बन जाएगा ये वाला, फिर हम गले की घटाई करेंगे। अब देखिए यहाँ तक बुन लिया। अब हमारा ये लास्ट वाला यहाँ पे बटन होल आएगा। गले की घटाई से पहले 4 सिलाई पहले ही बन जाएगा। तो इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर से ऐसे ही 2 का 1 करेंगे। तो ये बीच में हर 8 लाइनें काउंट करते हुए मैंने बटन होल तैयार किया। ये हमारा लास्ट का बटन होल है। अब आगे के पार्ट को ऐसे ही बुन लेंगे। तो इसकी ये 4 सिलाइयां दोनों तरफ से उल्टी सीधी बनाते हुए फिर मैं आपको इसकी गले की घटाई बताऊंगी। फिर उल्टी तरफ से आएंगे, फिर यहाँ बटन पट्टी के फंदे उल्टे बुनेंगे तो हमारा ये इस तरह से यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। देखिए ये हमारी घटाई होने के बाद ये 3 इंच हमारा बन गया है। मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ। इस तरह से रखेंगे और ऐसे अगर घुमाएंगे राउंड में तो ये हमारा 3 इंच बना है। अब हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। आर्म होल की घटाई हमारी उल्टी तरफ से हुई थी और अब गले की घटाई हमारी यहाँ से
सीधी तरफ से होगी। तो देखिए अब हम घटाई करेंगे, ये हमारा लास्ट बटन होल है, चार सिलाइयाँ हमारी बटन होल के बाद बनी है। तो अब देखिए यहाँ से हम दो का एक करेंगे, फिर से लेंगे और दो का एक करेंगे। इसको नहीं ज़्यादा फंदे को टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए इस तरह से, तो इसमें बहुत ही फिनिशिंग आएगी। थोड़ा सा आप इसको हल्के हाथ से बंद कीजिएगा। तो सात फंदे हम बटन पट्टी वाले बंद करेंगे और चार फंदे हम आगे से लेंगे डिजाइन वाले पार्ट के। तो ये देखिए सात सात फंदे, अब एक और लेंगे आठ, फिर लेंगे नौ और फिर लेंगे दस और फिर लेंगे आगे से फंदा लेके ग्यारह। अब धागे को पीछे करेंगे तो देखिए इस तरह से ग्यारह फंदों के हमने एकदम ग्यारह फंदे कम किए हैं, सात बटन पट्टी के चार फंदे आगे से। अब आगे के फंदे हम सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधी तरफ से घटाई करेंगे। सीधी तरफ से सीधी सिलाई बुनी, घटाई करने के बाद उल्टी तरफ से उल्टी। अब देखिए यहाँ पे दो फंदों की घटाई करेंगे, तो ऐसे लेंगे दो का एक, फिर से एक फंदा और घटाएंगे, तो ये दो फंदों की घटाई बन गई। अब धागा पीछे करेंगे और अब सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। पहले हमने 11 फंदों की, अब दो फंदों की, फिर से सीधी तरफ हम आएंगे, ये सिलाई पूरी बनाएंगे सीधी बैक साइड से उल्टी। तो ये बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया, बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सीधी तरफ से ही घटाई करेंगे। तो पहले 11 फंदों की, फिर दो की, अब दो फंदों की एक फंदे की घटाई करेंगे ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे, अब देखिए जितने फंदे हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से एक फंदे की घटाई करेंगे। अब हमारे पास ये जितने फंदे हैं इनको ऐसे ही बुनेंगे, 12 फंदे रहने तक सीधी तरफ से एक एक फंदा यहाँ से घटाते जाएंगे। तो 12 फंदे रहने तक गले की साइड से दो का एक करेंगे सीधी तरफ जो सिलाई आएगी उसमें। तो एक एक करते हुए हम ये घटाएंगे, लास्ट में हम शोल्डर के 12 फंदे रखेंगे, क्योंकि हमने इस पार्ट में भी 12 फंदे यहाँ पे रखे हैं और बैक पार्ट में भी 12-12 फंदे रखे हैं। अब उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से आएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे, फिर आएंगे दो का एक करेंगे। तो दो चार छः आठ दस बारह, तो चार फंदों की घटाई हमारी और होगी। हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाएंगे, दो का एक करेंगे। तो इसकी घटाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए घटाई हमारी कंप्लीट हो गई, गले की तरफ से, आर्म होल की तरफ से, और शोल्डर हमारा बन के तैयार है। लास्ट में हमारे 12 फंदे बचे हैं और इसकी अगर हम मेजर करें लंबाई को तो ये 5.5 इंच है और बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, शोल्डर के फंदों को किस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो देखिए इसको बनाएंगे, इसके कंधे जोड़ेंगे। तो बैक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और देखिए इस पार्ट को उल्टा रखेंगे। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ है। इसको दोनों को इस तरह से ऐसे मिलाएंगे और इस पार्ट को भी इसी तरह से रखेंगे, जैसे नीचे ये सीधा है ये सीधा है, सीधे से सीधा मिलाएंगे और इस तरह से रखेंगे। अब देखिए इस तरह से करेंगे, अब ऐसे करेंगे, दोनों पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, और देखिए ये टू पॉइंट नीडल है जो जिससे हम गला बुनते हैं। ये सिलाई लेंगे
और देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ से एक फंदा बैक पार्ट से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से लेंगे, फिर से एक फंदा बैक से लेंगे, फिर से एक फ्रंट से लेंगे, फिर से एक बैक से लेंगे, फिर से फ्रंट से लेंगे, फिर से बैक से लेंगे, एक फंदा बैक से एक फंदा फ्रंट से लेते हुए इस सिलाई पे हम सभी फंदों को डाल लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान मेथड है फंदे सिलाई से बाइंड ऑफ करने का। एक फंदा बैक पार्ट से, एक फ्रंट से, फिर एक बैक पार्ट से और फिर एक फ्रंट से। तो ये हमारे फंदे एक निडल पर आ गए हैं। अब देखिए धागा हमारा इस तरफ भी है और धागा हमारा इस तरफ भी है, किसी भी तरफ से आप इसको बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम ये सिलाई लेंगे और इस तरह से एक फंदा ये लेंगे और दो फंदे आगे से, ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन, तीन फंदे लेंगे, तीन का एक करेंगे। अब इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, वापस इसी पे डाल लेंगे और दो फंदे ऐसे आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और आगे से दो फंदे लेके और दो का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से दो का एक करेंगे। इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज्यादा लूज नहीं करेंगे। दो फंदे आगे से लेंगे, एक ये तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक ये फंदा दो आगे से लेंगे, तीन का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम इन सभी फंदों को, शोल्डर के फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। जब हम तीन तीन फंदों की यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये फंदे बाइंड ऑफ होंगे। फिर तीन का एक करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और दो फंदे आगे से लेके ऐसे तीन का एक करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और आगे से तीन का एक करेंगे। अब देखिए ये लास्ट में एक फंदा बचा है और एक फंदा ये इन दो का एक करेंगे ऐसे। अब इस धागे को भी टाइट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे यहां से इस धागे को, इस तरह से निकाल के इसको टाइट करेंगे और एक एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे। जो ये धागा है एक नोट हम इसकी यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये धागा लूज नहीं रहेगा इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बाइंड ऑफ फंदे हुए हैं। अब इसी तरह से हम इस पार्ट को करेंगे, ऐसे करेंगे इस तरह से। ये दोनों तरफ हमारे यहाँ पे मुड्डा है, दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से करेंगे और फिर से ये गले वाली सिलाई लेंगे, एक फंदा बैक पार्ट से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से, एक बैक से, एक फ्रंट से, फिर से एक बैक से, फिर से एक फ्रंट से। तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने इस शोल्डर को बाइंड ऑफ किया है ऐसे ही इसी को करेंगे। तो ये दोनों शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये गोल गले की घटाई बन के आई है। अब आप इसको गोल भी बना सकते हैं और कॉलर वाला भी बना सकते हैं। तो आज ये सेकेंड पार्ट में मैंने आपको इसका फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लें, बटन पट्टी कैसे बनाएं, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, बटन होल कैसे बनाएं,
और आर्म होल की घटाई कैसे करें, कितने इंच पे घटाई करें, और कैसे इसके गले की घटाई करें, और इसके शोल्डर को कैसे ज्वाइंट करें, तो ये मैंने आपको इस सेकंड पार्ट में बताया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगली वीडियो में हम बनाएंगे इसका गला कैसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।